महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की, तो अब एक साल बाद ठीक उसी तरह से अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी से इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी सियासी जीत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। सर्वे के नतीजे बीजेपी को झटका देने वाले हैं। एनसीपी की टूट का बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। सर्वे में बीजेपी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह सर्वे सरकार ग्रुप ने किया है। इसमें महाराष्ट्र के 74,000 से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। एनसीपी फूट के बाद बीजेपी को नुकसान हुआ है। सकाल की ओर से सर्वे में पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करेंगे। लोगों की तरफ से आए जवाब, बीजेपी 26.8% तो वहीं 19.1% लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया। एनसीपी के शरद पवार ग्रुप को 14.9% तो वहीं अजीत पवार ग्रुप को 5.7% लोगों ने पसंद किया। एकनाथ शिंदे की सरकार को 4.9% लोगों ने पसंद किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को 12.7% लोगों ने पसंद किया। अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने के बाद जनता को बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी जैसा नया समीकरण देखने को मिल रहा है। इससे मतदाताओं के मन में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई है। फिर भी लोगों ने बीजेपी को ज्यादा फीसदी पसंद किया है। अगर गठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं।